स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन और मिलन अभिव्यक्ति की वीडियो श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारी वीडियो श्रृंखला में यह 28वां वीडियो है। आज का विषय है स्वस्थ और निरोगी रहना हमारा अधिकार से अधिक कर्तव्य है। हम सभी वरिष्ठ नागरिक हैं और इस संकट काल में घरों में कैद हैं। हम ही क्यों, यह हालत तो सभी के साथ है। धंधे बंद हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। ऐसी स्थिति में दिमाग में नकारात्मक भाव और शरीर आलसी और अकर्मण्य हो रहा है, जिसके निश्चित मानसिक और शारीरिक दुष्परिणाम हैं। इन दुष्परिणाम से बचने हेतु हम घर पर ही रहकर छोटे छोटे प्रयासों से मन और शरीर स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। इस संकट काल में हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं और आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक दुष्प्रभाव पर हर काले बादल में एक चांदी सी चमक दिखाई देती है। चूंकि दुष्प्रभावों को हम पूरी तरह रोक नहीं सकते हैं, तो हमें चाहिए कि काले बादलों की चांदी की लकीर का सदुपयोग करने का प्रयास करें। आइए हम इन पर चर्चा करें। हर कोई हर काम को नहीं कर सकता है, पर हर कोई कुछ ना कुछ अवश्य कर सकता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि सदैव एक्टिव रहकर कुछ ना कुछ अवश्य करें। प्रातः जब भी पूर्ण नींद लेकर उठें, तो सर्वप्रथम भगवान को नवीन सुबह हेतु धन्यवाद दें। तत्पश्चात फ्रेश होकर धार्मिक कार्यक्रम, क्षमता अनुसार योगासन, प्राणायाम आदि अवश्य करें। नाश्ता, भोजन आदि पौष्टिक हो और नियमित हो। संचार साधन सर्व सुलभ हैं, मित्रों से सतत संपर्क में रहें। इच्छा अनुसार कोई न कोई शौक अवश्य पालें। जहां तक संभव हो घरेलू काम अवश्य करें। सोशल मीडिया और टीवी हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं। इससे जहां तक संभव है दूरी बना कर रखें। घर में अगर छोटे बच्चे, पोते पोती हो तो उनके साथ समय अवश्य बिताएं, ताकि कोरोना की बुरी खबरों से बचकर थोड़ा हल्का हो सके। नए नए नुस्खे जो बाजार में चल रहे हैं, उनका बिना पुष्टि के प्रयोग नहीं करें। पारिवारिक चिकित्सक से सलाह लेकर कोरोना को ध्यान में रखकर एक आपातकालीन किट अवश्य रखें। जब आप वृद्ध हो रहे हो, तो जब तक सामने वाले ने ना चाहा हो, कभी भी किसी को कुछ सिखाने का प्रयास ना करें, भले ही आप सुनिश्चित हों कि आप सही हैं। यह शरीर ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और यह आराम पसंद है। हमें चाहिए कि इसे स्वस्थ रखने हेतु इसके साथ कठोरता का व्यवहार करें। इन उपायों पर हम काम करेंगे तो आजीवन हम स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। ध्यान रखें कि मजबूत किले को कोई नहीं जीत सकता है और हम हमारे शरीर को मजबूत किला बनाना है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।